हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधाज होम। तो फिर से आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी कढ़ाई छोले की। इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत जल्द बन भी जाते हैं। सुबह सुबह हम इसे नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं और इसकी चाट भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए कढ़ाई छोले बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और इधर हम ये हमने छोले लिए हैं 1 बड़ा कप। इसे हमने ओवरनाइट सोक करके उबाल के ले लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोले हमारे अच्छे उबल चुके हैं। और ये हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच से कम गरम मसाला, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 चॉप की हुई प्याज और 1 मैश किया हुआ आलू लिया है हमने। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है तो इसमें हमने जीरा डाल दिया है। जीरे के साथ ही हम अपनी प्याज को डाल देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद हम हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ ही हम लाल डेगी मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और करछली से बराबर चलाते भी जाएंगे। अब इसके साथ ही हम 1 छोटा टमाटर बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से चला देते हैं। और इसके साथ ही हम अपने सूखे मसाले ऐड कर देंगे, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चना मसाला। सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मसाला भुन जाए उसके बाद हम चना डाल देंगे। अब चने के साथ ही हम 1 मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। चना को और आलू को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो 5 मिनट इसे हम ऐसे ही फ्राई करते हुए अब इसमें हम स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। बहुत ही आसान होता है इन कढ़ाई छोलों को बनाना। अगर आपको इन छोले की ग्रेवी वाली सब्जी आप देखना पसंद करते हैं तो वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।